नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री कृष्णा धारेश्वर महादेव गौशाला में पुजारी मुरलीधर लश्करी व धर्मपत्नी लीला देवी ने 5.25 मणि की लापसी बनवाई और गौ माता को खिलाई व गौ माता की विधिवत पूजा अर्चना कर गौ कथा सुनी, परिक्रमा की और गौ माता से अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। गुरुवार को गौशाला में सुबह से लेकर देर रात तक गौ माता को भक्तों ने गुड़ चारा डालकर गौ रक्षा का संकल्प लिया। इस उपलक्ष्य में गजेंद्र रांका ने मुरलीधर लश्करी का शॉल उड़ाकर बहुमान किया। भक्तों ने गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लिया और देर रात को गोपाष्टमी को महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्त शामिल हुए। पूरे देश में सनातन धर्म के अनुयायी गोपाष्टमी का पर्व मना रहे हैं और जगह जगह गाय की पूजा की जा रही है। पुजारी मुरलीधर लश्करी ने बताया कि मथुरा में कृष्ण ने गायों के साथ कई लीलाएं की हैं, इसलिए यहां गौ पूजन का विशेष महत्व है। द्वापर युग में आज ही के दिन भगवान कृष्ण बलराम ने पहली बार गौचारण लीला की थी और उससे पहले अपने गुरु महर्षि शांडिल्य की आज्ञा से गौ पूजन किया था। धार्मिक मान्यता यह है कि गाय के अंग प्रत्यंग में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ पूजन से उनके पूजन का भी लाभ मिलता है। ब्रज में धार्मिक मान्यता और कृष्ण बलराम की परंपरा के अनुरूप जगह जगह गौशालाओं में गोपाष्टमी के पर्व पर गौ पूजन किया जाता है। इस दिन सबसे पहले गाय को स्नान कराया जाता है, फिर फूल माला और वस्त्रों से गाय का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद गाय के पैरों में हल्दी लगाकर माथे पर रोली का तिलक लगाया जाता है, फिर आरती उतारने के बाद गाय की परिक्रमा की जाती है। ब्रज की ज्यादातर गौशालाओं में गोपाष्टमी पर सबसे पहले गौ पूजन कृष्ण बलराम के स्वरूप और उनके ग्वाल बाल करते हैं। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष समुन्दर सिंह व कोषाध्यक्ष अमर मालिक, गजेंद्र रांका, गोपाल दास लश्करी, वेदश्री लश्करी, ओजस्वी लश्करी, जयमाला देवी सहित गौ भक्त उपस्थित थे।